इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में सरकार बड़े फेरबदल करने की तैयारी में है, जिसके तहत उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली के लिए कंपनी चुनने की छूट मिलेगी। और क्या है खास नए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में, बता रही हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। अगर आप घंटों बिजली गुल होने से परेशान हैं या फिर किफायती दामों पर बिजली चाहते हैं तो इनके समाधान जल्द ही आपके सामने होंगे। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में बदलाव के मद्देनजर उपभोक्ताओं को नई सुविधा देने की तैयारी कर रही है। नए सिस्टम के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अहमदाबाद जैसे शहरों में जहां प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां मौजूद हैं, कंज्यूमर्स को मल्टी सप्लायर ऑप्शन मिलेगा। यानी अगर आप एक बिजली सप्लायर से नाखुश हैं तो दूसरी या तीसरी कंपनी चुन सकते हैं। ऊर्जा मंत्रालय की ओर से इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में किए जा रहे बदलावों का सीधा फायदा उपभोक्ताओं को मिलेगा। जानकारों की माने तो नए इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के तहत इस क्षेत्र में ओपन एक्सेस सिस्टम सही तरीके से लागू हो पाएगा, जिसके तहत उपभोक्ताओं को मोबाइल पोर्टेबिलिटी की तर्ज पर ही पावर पोर्टेबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। नए नियमों के तहत शहर में मौजूद बिजली कंपनियों के बीच भी SLA यानी सर्विस लेवल एग्रीमेंट किया जा सकेगा, जिसके बाद ये कंपनियां एक दूसरे की ट्रांसमिशन लाइंस का इस्तेमाल कर पाएंगी। साथ ही रेगुलेटर की ओर से सिंगल नेटवर्क ओनर नियुक्त होगा, जो रियल टाइम डेटा के आधार पर इन कंपनियों को बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। बिजली कंपनियों का मानना है कि नए एक्ट के लागू होने के बाद मार्केट में कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा। जो सप्लाई साइड है, रिटेल सप्लाई, वो सेपरेट होगा। सो They will be multi suppliers of power. So retail के लिए they will be multi suppliers, and that will bring in a lot of competition and bring in lot of accountability also amongst the suppliers of electricity. So it's a good move. UK और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में ओपन एक्सेस सिस्टम बखूबी काम कर रहा है। देश में ये सिस्टम मुंबई में सही तरीके से लागू न होने की वजह से कारगर साबित नहीं हुआ। जानकारों के मुताबिक ओपन एक्सेस सिस्टम लागू करने के लिए मौजूदा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके लिए दिल्ली में मौजूद टाटा पावर और BSES जैसी कंपनियों को अतिरिक्त 100 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। नए एक्ट में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ये प्रावधान होगा कि उपभोक्ता अपनी छतों पर मौजूद जगह के हिसाब से सोलर प्लांट लगा सकते हैं और खुद के इस्तेमाल के बाद बची बिजली को ग्रिड को बेच सकते हैं। हालांकि इस सिलसिले में पूरी गाइडलाइंस तैयार की जा रही है। ऊर्जा मंत्रालय इस नए एक्ट को जल्द ही कैबिनेट में भेजने की तैयारी कर रहा है। उम्मीद की जा रही है कि अगले एक महीने में इस नए एक्ट को लागू करने का रास्ता साफ हो जाएगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। और आसान होने वाले हैं।